नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा ज्योतिषीय कार्यक्रम ज्योतिष पथ। मैं आपके साथ भास्कर राव बात करेंगे 30 जुलाई दिन शनिवार के राशिफल की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राशिफल। राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल देव जी है, जो इन दिनों मेष राशि वाले जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर पहुंचेंगे। तो आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम भरा होगा। रोजगार की दिशा में कार्य करते हुए लोगों को आज उत्तम अवसर प्राप्त होंगे, जिससे उन्हें प्रसन्नता होगी। यदि आप कहीं निवेश का मन बना रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन आपके लिए उत्तम होगा। बात करते हैं राशि चक्र की द्वितीय राशि वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन आपको आज अपनी जरूरत के मुताबिक ही जोखिम लेना होगा। यदि आपके द्वारा अधिक जोखिम उठाया जाता है तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए आज का दिन धन के मामले में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्रम में तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए कुछ अलग कर दिखाने के लिए होगा। कार्य क्षेत्र में भी आज आप बहुत कुछ बदलाव करेंगे तो वह आपको अवश्य लाभ देंगे। अगर आप अपने संतान के भविष्य के विषय में चिंतित हैं और किसी अहम मुद्दे पर फैसला लेना चाह रहे हैं तो अपने माता पिता से जरूर इस विषय में बात करें। अब बात करते हैं राशि चक्र की चौथी राशि चंद्रदेव की राशि कर्क की। तो आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। यदि आपके परिवार में कोई परेशानी चल रही है तो वह आज फिर से अपना सिर उठा सकती है, जिसके कारण आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की मदद से इस समस्या का समाधान निकालने में कामयाब होंगे। राशि फल के इस कार्यक्रम में अब क्रम है पांचवी राशि सिंह की। तो सिंह राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए परिवार के सदस्यों के साथ खुशी खुशी व्यतीत करने वाला होगा। परिवार में किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम की चर्चा हो सकती है, जिससे परिवार में सभी सदस्य बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में भी आज आप कुछ धन व्यय करेंगे। अब बारी आती है राशि चक्र की छठवीं राशि कन्या की। तो कन्या राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। आपके भाग्य का उदय भी साथ साथ होगा। आज यदि आप किसी संपत्ति की खरीदी की सोच रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन उत्तम है। भविष्य में भी वह आपको भरपूर लाभ अवश्य देगी। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को आज कोई तनाव आ सकता है, जिसके कारण वे अपने जीवन साथी से भी नाराज हो सकते हैं। अब बारी आती है राशि चक्र की सातवीं राशि तुला की। तुला राशि के जातकों, आज किसी वजह से आपका मन थोड़ा अशांत रह सकता है, जिसके कारण आपको थोड़ी परेशानी होगी। यदि आपका कोई सरकारी वाद विवाद लंबित है तो उसे आज आपको निपटारा मिल सकता है, जिसके कारण आज आपके परिवार के सदस्य पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं। अब बारी आती है ज्योतिष चक्र की आठवीं राशि वृश्चिक की। तो वृश्चिक राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। शुभ कार्य में भी आज आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। आज आप कोई भी निर्णय लेंगे तो वह आपको आगे चलकर अवश्य लाभ देगी। भाइयों के साथ साथ यदि कोई आपका तनाव चल रहा है तो वह आज आपका समाप्त हो जाएगा। राशिफल में अब समय है राशि चक्र की नौवीं राशि धनु की। तो धनु राशि के जातकों, आज के दिन आपके लिए आपके घर परिवार के किसी सदस्य के साथ आपकी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन इसमें आपको अपनी वाणी को मधुर बनाए रखना होगा, नहीं तो यह आपके खतरे में डाल सकती है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आज आपको मिलेगा, इसलिए आज अपनी वाणी में नियंत्रण बनाए रखें। अब बारी आती है राशि चक्र की दसवीं राशि मकर की। तो मकर राशि के जातकों, आज का दिन आपको नौकरी और व्यापार के मन मुताबिक परिणाम प्रदान करने वाला होगा। कार्य क्षेत्र में आज आपके मन के अनुसार माहौल होगा, जिसके कारण आपको कार्य करने में भी मजा आएगा। आज के दिन आपका कोई कार्य जरूरी हो तो उसे पहले कर ले, उसे आगे के लिए बिल्कुल न टाले, क्योंकि वह पूर्ण हो जाएगा। बारी आती है राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ की। तो कुंभ राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए उत्तम फलदायक होगा। ससुराल पक्ष से आज आपको लाभ मिलता दिख रहा है। आपको आज कहीं रुका हुआ धन भी मिल सकता है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब बारी आती है राशि चक्र की आखिरी राशि मीन की। तो मीन राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए उन्नति भरा होगा। आज आप जिस कार्य को भी करेंगे वह नए उत्साह और उमंग के साथ आप करेंगे।
आज अपने परिवार के साथ आप कुछ नया प्रयोग कर सकते हैं, इसका लाभ भी आपको अवश्य मिलेगा। यदि आज आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ भविष्य के संबंध में फैसला लेने जा रहे हैं तो बहुत सोच विचार कर फैसला लें। तो ये था आज का राशिफल। तो दर्शकों, कल की राशियों के हाल के लिए फिर मिलेंगे, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ज्योतिष पथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।